इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि इलेक्शन के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम को भी ज़रूरी है। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से रब्ता करेंगे। आपको बताएँ कि इलेक्शन के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी ज़रूरी है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है। तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, मखसूस तशस्सुस से मुतालिक मामलात भी क्लियर नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। समाअत छुट्टियों के बाद होगी और अगर कोई मसला होता है तो मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी जाए। अदालत की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करवा दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने केस की समाअत की। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी ज़रूरी है, इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है। जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इस केस की समाअत की, मखसूस तशस्सुस से मुतालिक मामलात भी क्लियर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपना ये मौक़िफ़ पेश किया अदालत के रूबरू और समाअत छुट्टियों के बाद होगी, अगर कोई मसला होता है तो मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी जाए। अदालत की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करवा दी है।